तीन दिन पहले कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर देश में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक शोक की लहर शुरू हो चुकी है। देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री मोदी से यही मांग कर रहा है कि पाकिस्तान से जवानों की मौत का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज विजय स्मारक पर भारत को आतंकवाद मुक्त बनाने को लेकर एक धरने का आयोजन किया। पुलवामा हमले के बाद भाजपा ने अब भारत को आतंकवाद मुक्त बनाने को लेकर बजरंगड़ स्थित विजय स्मारक पर धरना शुरू कर दिया है। अजमेर के बजरंगड़ चौराहे स्थित ये धरना शुरू है, जिसमें शिवशंकर हेड़ा सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता भारत को आतंकवाद मुक्त बनाने का संकल्प लेकर धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश के अंदर जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर धरना देने के कार्यक्रम का आह्वान किया है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है, आज 3-4 दिन पूर्व जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों ने हमारे जवानों को जिस उन पर आक्रमण करके धोखे से पीठ में चूरा भोंक के और उनको हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा के अंदर सुलाया, ऐसे 42 जवान हमारे जो शहीद हुए हैं, उसके लिए तो पूरे देश की जनता के अंदर जो आक्रोश है वो स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। और आज जगह जगह आप लोग देख रहे हैं कि लोगों के मन में जो भाव उमड़ के आ रहे हैं, हमारे जवानों को श्रद्धांजलि जैसे दी जा रही है। और सबके मन में एक ही चीज़ है कि ऐसी घड़ी के अंदर पूरा देश एक है और हम सब मिलकर के जो हमारा ध्येय है कि हमें खून का बदला खून से लेना चाहिए, और जिस तरह से हमारे देश के जवानों के ऊपर जो आक्रमण हुआ है उसका बदला किसी भी हद तक जा कर के हमें लेना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की है और हमारी फौज को उन्होंने स्वतंत्र किया है कि आप समय स्थान और स्वरूप खुद तय करें और जिस तरह से आप उसका बदला लेना चाहे बदला लें, तो मैं पूरे अजमेर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया है ये बहुत ही एक अच्छा निर्णय और आम जन के मन को एक मन के अंदर एक अच्छे भाव बैठने वाला निर्णय। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था कि आतंकवाद को हम इस देश से जड़ा मूल नष्ट करेंगे, समाप्त करेंगे, और आज ये धरना इसीलिए दिया जा रहा है कि हम हमारे संकल्प पर दृढ़ हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात के लिए प्रयासरत है और प्रयासरत नहीं वो उसमें सफलता भी हासिल करेगा कि इस देश से ये आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो और जिस तरह से आए दिन इन आतंकवादियों के माध्यम से कहीं कहीं जो हमले किए जाते हैं, आम नागरिक बेगुनाह नागरिक उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, इस चीज़ से निजात मिले और देश में खुशहाली और शांति स्थापित हो, इसीलिए ये आज धरने का आयोजन किया गया। उसी उद्देश्य को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी अजमेर इस धरने के ऊपर बैठी है धरने का। वहीं शिवशंकर हेड़ा का कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान अपनी कायरता भारत परिवार दिखाता है और हमारे देश के जवानों के जीवन के साथ खेल रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा सेना को खुली छूट देने की बात को लेकर भी चर्चा की जा रही है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का भी प्रयास शुरू हो चुका है। किशोर सिंह सोलंकी, टीवी भारत, अजमेर। रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आ